Hello friends, my name is Vaishnavi Digam and today I will share my some tricks about paper presentation. Okay, now start. Let's start. First we have to bring in exam black pen and black pen or blue pen. एंड बेसिकली आप अगर बॉल पेन से यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बॉल पेन में अगर हम अपना वाटर भी डाल देंगे ना तो उसके कुछ इफ़ेक्ट नहीं आएगा. अगर हम जेल पेन से यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत इफ़ेक्ट आ सकते हैं. ओके, इसलिए नाउ देन हम अपनी आइडेंटिटी बताएंगे कि नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का पेपर है एंड सेट ए है या बी है, और जो भी आपका जिस नेम से भी सेट होता हो. ओके नाउ फॉर देन द आंसर एट मिडिल. हम बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से. बट हम अभी अगर आप अभी छोटे हो तो छोटे में क्या होता है, टीचर है कि बच्चा है. चलो ठीक है, यहाँ से टीचर यहाँ से देखती है छोटे बच्चों में. अब अगर आप बोर्ड में जाओगे ना तो बोर्ड में ये नहीं होगा. बोर्ड में तो सभी ओनली टीचर्स के पास इतना टाइम तो होता नहीं है, अनलिमिटेड शीट्स होती हैं उनके पास. तो वो ओनली मैटर देखते हैं, यहाँ का मिडिल का मैटर देखते हैं और ये वाला देखते ही नहीं है. सो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर वन, आंसर टू, आंसर थ्री, आंसर फोर एंड सो ऑन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द आंसर वन एंड आंसर टू. ये देन मेक डायग्राम्स. अगर कोई आपका क्वेश्चन है, सपोज इसका क्वेश्चन था एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बैरोमीटर. सो मैंने बैरोमीटर की एक वर्किंग तो लिखी है बट उसके प्लस उसके साथ साथ मैंने उसकी लेबलिंग और डायग्राम की लेबलिंग भी की है. इससे आपके मार्क्स भी, सपोज अगर आपने मैटर अच्छा नहीं लिखा है, कम लिखा है, तो आपके डायग्राम और लेबलिंग में मार्क्स मिल सकते हैं, जैसे मैंने इसमें किया है दूसरा पेपर. जैसे मैंने दूसरे पेपर में किया है, ये मेरा पूरा 5 मार्क्स का था. ठीक है, अगर हम ये डायग्राम्स हटा दें तो लग रहा है कहीं से 5 मार्क्स का नहीं. ठीक है, तो अगर ये लिखती ना तो मुझे ओनली 2 या 3 नंबर ही मिलते. मैंने ये क्या किया है, ये सेल्स के डिफरेंट सेल्स के शेप्स बनाए हैं ये, तो उसकी वजह से और प्लस लेबलिंग भी करी तो उसकी वजह से 4.5 मार्क्स मिल गए हैं 5 में, वरना मेरे तो 3 ही मार्क्स मिलते. ओके, एंड हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके जो आंसर होने चाहिए वो सीरीज़ में होने चाहिए. जैसे आंसर 1 है 2 है 3, ऐसा नहीं करना है आपको 1 आंसर इधर लिख दें, यहाँ 3 कर दिया और सेकंड आपने कहीं और कर दिया. ठीक है, ये नहीं करना है. उससे पता है टीचर इरिटेट हो जाती है कि बच्चे ने यहाँ किया है वहाँ किया है. ठीक है, तो हमें टीचर को इरिटेट नहीं करना है, क्योंकि अगर टीचर इरिटेट हो जाएगी तो हमें मार्क्स नहीं आएंगे. ठीक है, सो अगर आपको सपोज सेकेंड वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करिए, 1 क्वेश्चन लिख के सेकेंड छोड़ दीजिए, उसके लिए लाइन्स वो स्पेस लीव कर दीजिए और फिर अपने पेपर कंटिन्यू कर दीजिए. कंटिन्यू करने के बाद जब आपको थोड़ा टाइम बचता है ना तो उसमें आप थोड़ा सोचिए और करिए. एक्चुअली मुझे ये आंसर नहीं आता था, देखिए मैंने वो कट भी किया है, बट मैंने इसके लिए स्पेस छोड़ी थी. अपना पूरा पेपर करने के बाद मैंने इसको लास्ट में सोचा और फुल मार्क्स भी मिले मुझे. और टीचर को ये भी लग रहा है कि हाँ इसने सीरीज से किया है. ठीक है, हाँ, और लास्ट थिंग द हाईलाइट मेन पॉइंट्स. आपको मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने होंगे. सपोज जैसे अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई कुकिंग यूटेंसिल्स एंड नाइफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील. ओके, तो ये तो क्वेश्चन में ही होता है. उसके बाद हम बिकॉज लिखते हैं. अगर आपने लिख दिया इट डज नॉट गेट रस्ट और कोरोजन, ओनली इतना आंसर में लिख दिया तो इसमें आपको ओनली 1 मार्क्स मिलेंगे. ओके, अगर आपने पूरा लिखा ना इतना ये बिकॉज इट इज डज नॉट ये, ठीक है, तो आपको इसमें 2 मार्क्स मिले. ठीक है, तो जो मेन हमारा क्वेश्चन होता है, मेन आंसर, मेन पॉइंट हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज के बाद से स्टार्ट हो रहा है. तो हम जो मेन होता है ना उसको अंडरलाइन कर लेंगे. सपोज जैसे ये है मेटल्स, मेटल्स हैव एंड एक्सेप्शन ये
एंड ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें ओनली लिखा है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये ओनली आपका मेन था, तो इसमें आपने अंडरलाइन किया। ये हैव ये हैव तो आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ओनली हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी अंडरलाइन करना है, ओके। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और चाहिए हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं फिर नेक्स्ट वीक आऊँगी आपको एक न्यू पेपर प्रेजेंटेशन लेके, और मे बी वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। सो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करिए।